और राइट सो ये गाइस, तो स्वागत है मेरे फिर से न्यू ब्लॉग में गाइस। तो इस ब्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे कुराडी, कुराडी के मंदिर में दर्शन कराने के ऊपर। वहाँ पर मेरा सूढ़ भी रहेगा क्योंकि मेरे पास इंस्टॉलमेंट आने के लिए वीडियो है नहीं है, और मेरा भाई गांव से भी आया तो उसको भी थोड़ा घुमाना हो जाएगा मेरा, तो बस यही रीज़न था। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो आग देख के आपको लग ही रहा होगा गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो अभी मम्मी नाश्ता बना रही है, नाश्ता खा के सीधा निकलते हैं हमारे मंजिल पे, और आपको बीच बीच में मैं लोकेशन शेयर करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस प्लीज़। तो मिलते हैं आगे। निकल चुकी है हमारे मंजिल की ओर, जैसे कि आपको बताया था मैंने आशीष बाबू चलाने वाले हैं हमारी गाड़ी, तो चला रहे हैं अभी हम निकल रहे हैं। तो आपको आगे आगे मैं लोकेशन शेयर करता हूँ, आपको बराबर आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एकदम टाइम टू टाइम मैं लोकेशन चेंज करते रहूँ। मिलते अभी आगे। अभी हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल भराने के लिए अभी आगे रुकेंगे हम, तो वहाँ पर थोड़ी बातें करेंगे फिर निकलेंगे। तो चलते आगे। पेट्रोल कहाँ मिली बोले तो पेट्रोल तो अभी जहाँ मिलेगा। हाँ जी भैया। तो गाइस अभी हम पहले पेट्रोल पंप पे आए थे, तो ये पेट्रोल पंप तो बंद है, नहीं पता कौन सा रीज़न है। तो अभी चलते हैं दूसरे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि यहाँ पर तो पेट्रोल पंप की कमी नहीं है, नागपुर में कहीं पर मिल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरे गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है तो हो जाएगा मैनेज, लेकिन तो भी भरवाना पड़ेगा क्योंकि और बहुत ज़्यादा बहुत जगह घूमेंगे हम, तो सीधे चलते आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, तो आशीष पेट्रोल डलवा रहा है क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने अंदर लेकर नहीं गया मोबाइल। तो अभी फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर है, तो आपको सीधा मिलता हूँ अभी कुराडी में गाइस, और बीच बीच में आपको लोकेशन शेयर करता रहूँगा। चलते अभी आगे गाइस।
है गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं कोराडी मंदिर। तो कोराडी मंदिर में भी मंदिर के अंदर जाएंगे, अगर मंदिर के अंदर अगर दर्शन मिल गए तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो आपको वहां पर तो फ़ोन अलाउड नहीं, अगर फ़ोन अलाउड रहेगा तो मैं वहां के थोड़ा सीन भी कैप्चर कर लूँगा अपने फ़ोन में बहुत अच्छे तरीके से, और बैठे बैठे आपको दर्शन भी करवा दूँगा माता के। तो चलते हैं अभी अंदर गाइस, यहाँ से आगे चलते हैं, उसके बाद आपको फिर से मैं यहाँ के व्यू बताऊँगा। मंदिर चालू हो गाइस, अभी हम मंदिर के लिए जा रहे हैं आगे आगे एकदम। देखते हैं अभी, देखते हैं हार फूल लेने के लिए। आशीष भाव बोल रहे दिल साफ रहना चाहिए लेकिन हार फूल नहीं लेना चाहिए, तो देखते हैं अभी आगे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, वही पैसे मैं गरीब को दे दूंगा, ज़्यादा अच्छा है। तो अभी चलते हैं फिर से आगे, तो आगे आगे आपको फिर से मैं लोकेशन बिल्कुल प्रॉपर शेयर करता रहूँगा। सीधा 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 चलते आगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, जैसा कि आपको मैंने एंट्रेंस बताया। तो अभी हम चलते फिर से अभी अंदर, अंदर चल के देखना पड़ेगा, बस कैमरा फ़ोन अलाउड रहना चाहिए बस, फिर आपको मैं दर्शन करवा दूंगा अंदर भी। चलो आशीष भैया जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि बहुत सारी जगह भी हमें और जाना है, भैया के वीडियोस रिकॉर्डिंग करना है। अभी आगे मिलता हूँ गाइस आपको सीधा। सब्सक्राइब करना गाइस, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।